डंकी रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है और एक के बाद एक धड़ाधड़ कर रहे हैं मेकर्स उसके ड्रॉप वीडियोस को भी रिलीज। अभी कुछ ही दिन पहले आया डंकी का ड्रॉप 5 वीडियो भी, वो एक गाना है जिसका नाम है ओ माही। गाना तो काफी अच्छा है लेकिन उस पूरे गाने के नीचे लिखा आता है कि ये गाना एक प्रोमो वर्जन है और फिल्म में इस गाने का दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा। तो हुआ ये है कि मेकर्स ने अभी तक इस गाने का ओरिजिनल वीडियो रिलीज नहीं किया है क्योंकि शायद मेकर्स नहीं चाहते कि गानों की वजह से फिल्म की जरूरी डिटेल्स अभी से बाहर आ जाए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए अलग से गाना बनाया गया हो। अलग बस ये है कि पहली बार किसी वीडियो में ये साफ किया गया है कि ये वर्जन फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको ना याद हो लेकिन इस छोटी सी चूक की वजह से शाहरुख खान की फिल्म फैन के मेकर्स को एक फैन को 15,000 रूपए देने पड़ गए थे क्योंकि तब हुई थी उनसे एक बड़ी गलती। 2016 में आई फिल्म फैन के साथ हुआ था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुलकित कोचर ने इस मामले से रिलेटेड एक सोशल मीडिया पोस्ट भी रिसेंटली शेयर किया है। फैन फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल कैंपेन में जबरा फैन नाम का एक गाना दिखाया गया था जिसे हर शाहरुख फैन ने काफी पसंद किया था लेकिन जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो ये गाना आया ही नहीं। इस बात से नाराज होकर महाराष्ट्र की एक टीचर आफरीन फातिमा जैदी कंज्यूमर फोरम पहुंच गई थी। उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर फैंस को धोखा देने का आरोप लगाया था। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने उनकी इस कंप्लेंट को खारिज कर दिया था। इसके बाद फातिमा ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में अपील भी की थी। उन्होंने फैन की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स को आदेश दिया था कि फातिमा को 15,000 रूपए दिए जाए। तब YRF को ना चाहते हुए भी अपनी गलती माननी पड़ी थी और फातिमा को 15,000 देने पड़े थे। अब शायद उसी वजह से मेकर्स फिर से सेम रिस्क नहीं लेना चाहते, वो भी डंकी जैसी फिल्म के साथ। इसलिए उन्होंने पहले ही ओ माही गाने के नीचे बता दिया कि ये सिर्फ एक प्रोमो वर्जन है और ये फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि डंकी फिल्म के गाने ओ माही को प्रीतम ने कंपोज किया है, लिखा है इरशाद कामिल ने और गाया है अरिजीत सिंह ने। डंकी में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, बमन ईरानी और धर्मेंद्र जैसे कई बढ़िया एक्टर्स देखने को मिलेंगे। फिल्म को राजकुमार ईरानी ने डायरेक्ट किया है। डंकी 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। देखते हैं कि क्या अब रिलीज से पहले मेकर्स को योर ड्रॉप वीडियो रिलीज करके फैंस को सरप्राइज करते हैं या नहीं। बाकी स्टोरी पर आपके क्या व्यूज है हमें कॉमेंट से बताइएगा जरूर और इसी तरह से बने रहिए ENT Live के साथ।